जब मैं छोटा था तो हमारे मोहल्ले में एक आंटी थी, गलती से उनके रिलेटिव्स रहते थे सिंगापुर में। बस हर साल जब भी उनके रिलेटिव्स आते, आंटी का शो ऑफ शुरू हो जाता। हर रोज एक नई ड्रेस पहनकर आती और बोलती, यू नो हमारे रिलेटिव्स लाए हैं सिंगापुर से, तो चिढ़ के हम भी शो ऑफ करते थे हमारे रिलेटिव्स के लाए हुए कपड़े कानपुर से। ऑफ कोर्स उसमें वो मजा नहीं था, लेकिन इमेजिन कीजिए आज से 2000 साल पहले रोम शहर में कोई अपने पड़ोसी के सामने बेहतरीन सिल्क से बनी एक पोशाक को शो ऑफ करते हुए कहे, ये इंडिया से आया है। ये उस दौर की हकीकत है जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो इसलिए कि विश्व व्यापार का एपिसेंटर यहां था और उस जमाने में भारत से जो सामान जाता था उसके बदले में जहाजों में भर भर के सोना यहां आता था। सी ट्रेड के उस दौर में भारत, खासकर दक्षिण भारत, बड़ी ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर था, यानी ईस्ट और वेस्ट के ठीक बीचों बीच। बस यहां के व्यापारी जावा, सुमात्रा, बाली जैसे ईस्ट एशियन आइलैंड से जायफल, लौंग, दालचीनी जैसे मसाले मंगवाते और फिर यहां पैदा होने वाली काली मिर्च, सिल्क, कॉटन और हाथी दांत जैसी चीजों के साथ रोम भिजवा देते। एक वक्त ऐसा भी आया जब रोम से भारत में इतना सोना आने लगा कि वहां के बादशाह ने मसालों और महंगे कपड़ों के इंपोर्ट पर रोक लगा दी, भाई अपना खजाना बचाने के लिए। 2016 में आर्कियोलॉजिस्ट को समंदर में डूबे एक रोमन जहाज के अवशेष भी मिले जिसमें 20 किलो सोना था और ये जहाज भारत आ रहा था। अब सड़क पे कोई भाई साहब सोने की मोटी चेन पहने दिखे या कोई मोहतरमा खूब सारी ज्वेलरी, तो मन में एक छोटा सा सवाल तो जरूर उठे, कहीं इस सोने के रोम रोम में रोम तो नहीं। हमारे सवाल इससे कहीं ज्यादा मजेदार होंगे और उनका जवाब देने के लिए आपको सोना नहीं जागना पड़ेगा। वेलकम टू एपिक आईक्यू चैलेंज। मैं हूं मयंक चैंग एंड आई वेलकम यू टू द एपिक आईक्यू चैलेंज। ये शो चैलेंज करेगा आपकी सोच, आपकी समझ को, दुनिया को देखने की आपकी नजर और नजरिए को, कोर्स और कोर्स के बाहर की किताबों से आपके दुलार को, हिंदुस्तान से आपके प्यार को और सबसे ज्यादा आपके आईक्यू यानी इंडिया क्वोशेंट को। इस चैलेंज में होंगे इंडिया के ब्राइटेस्ट यंग माइंड्स जो एक दूसरे को देंगे अपने इंडिया क्वोशेंट से टक्कर और हम जानेंगे उनका KYC यानी नो योर कंट्री फैक्टर। तो चलिए मिलते हैं आज की तीन टीम से। DC मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर कैंटोनमेंट पंजाब से देव वीरम और हर्षिता अरोरा 9th स्टैंडर्ड से, एयरफोर्स स्कूल भुज से हिमेश शाह एंड मानसी पांडे 8th स्टैंडर्ड से, सेंट पॉल्स चर्च कॉलेज आगरा से वंश कक्कर 8th स्टैंडर्ड और खुशबू कक्कर 9th स्टैंडर्ड से। Welcome to Epic IQ Challenge. Everybody so smiley. I love it जब शुरुआत में ऐसा होता है. So thank you first of all for that. इतनी प्यारी मुस्कान के साथ आने के लिए welcome. कैसा feel कर रहे हैं? Excited about this? Yes sir. काफी तैयारी करके आए हैं. Yes sir. कर लें फिर knowledge की टक्कर. Yes sir. हो जाए फिर Epic IQ Challenge. Yes sir. चलिए फिर सबसे पहले game के rules. हर एपिसोड में तीन टीम्स होंगी, चार राउंड्स के इस मुकाबले के तीसरे राउंड में एक टीम कहेगी अलविदा और आखिरी टक्कर होगी दो टीम्स के बीच और फाइनली उनमें से एक बनेगी आज की एपिक आईक्यू चैंपियन। चैंपियन ऑफ द चैंपियंस तय होगा हमारे एपिक आईक्यू लीडर बोर्ड पर, जहां हमारे फाइनल एपिसोड में टीम रैंकिंग्स अपडेट की जाएंगी। लंबी चौड़ी भूमिका के बाद अब खेल शुरू करते हैं, जोड़ते हैं सवालों के सिलसिले का पहला तार। एपिक आईक्यू चैलेंज का पहला राउंड, पहला वार। पहला वार में हर टीम से पूछे जाएंगे दो सवाल, हर सवाल के साथ आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे। सही ऑप्शन पिक करने पर आपको मिलेंगे 10 points और क्योंकि ये पहला राउंड है इसलिए यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेरा पहला सवाल DC मॉडल फिरोजपुर आपके लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। घुड़सवारी करते समय पहने जाने वाला एक प्रकार का पैंट इनमें से किस शहर के नाम से अपना नाम प्राप्त करता है? Which of these cities lends its name to a type of pants worn while riding horses? ये रहे आपके ऑप्शंस।
ए जयपुर, बी पटियाला, सी अमृतसर, डी जोधपुर। पटियाला। पहले सवाल पे अटके, क्या लगता है कुछ? पटियाला लगता है। पटियाला पटियाला पिक करेंगे? नॉट रियली श्योर, बट हो सकता है पटियाला हो आपके हिसाब से। कर ले कंफर्म इसे? yeah. ओके, चलिए बी पटियाला को कंफर्म करते हैं। लेट्स सी इफ दैट इज द राइट आंसर। नॉट द राइट आंसर। भुज, आगरा, आप गेस करना चाहेंगे इसका आंसर क्या है? डी जोधपुर। डी जोधपुर आपके हिसाब से? भुज, नो आइडिया। अमृतसर लग रहा है। अमृतसर आपको लग रहा है। चलिए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। जोधपुर वुड हैव बीन द राइट आंसर। पोलो खेलते वक्त इसे पहना जाता है। ब्रिटिश आर्मी के जो जवान थे वो जब जोधपुर में स्टेशन थे उन्होंने इसे डेवलप किया था, इसलिए इसे कहते हैं जोधपुरी। एफ स्कूल, आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस प्रकार के भोजन को अपना नाम 1526 से भारत पर राज करने वाले वंश से मिलता है? Which cuisine gets its name from the dynasty that ruled India from 1526? ये रहे आपके options. A Avdhi, B Mughlai, C Chola, D Pandya. Sir, it's answer B Mughlai. Mughlai. B Mughlai. Yes sir. Confirm कर दें? Yes sir. All right, let's confirm Mughlai. Let's see if this is the right answer. Correct answer, 10 points. चलिए आपकी शुरुआत तो अच्छी हो गई है। देखते हैं कि सेंट पॉल्स चर्च कॉलेज आगरा आप क्या करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका पहला सवाल। इनमें से कौन सा साइंटिफिक प्रीफिक्स एक भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित कार का भी नाम है? विच ऑफ दीज साइंटिफिक प्रीफिक्सेस इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय एन इंडियन कंपनी? ये रहे आपके ऑप्शंस। A माइक्रो, B गीगा, C नैनो, D किलो। C नैनो। यस सर। पक्का है? यस सर। कंफर्म कर दें इसे? यस सर। चलिए C नैनो को कंफर्म करते हैं। लेट्स सी इफ दैट इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर, 10 पॉइंट्स। वापस आते हैं आपके पास डीसी मॉडल फिरोजपुर। लेट्स होप कि आपका यहां पर खाता खुलेगा। ओके, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक दंत कथा के अनुसार इन त्योहारों में से कौन से त्योहार का नाम एक राक्षसी के नाम पर रखा गया है? अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, विच ऑफ दीज फेस्टिवल्स इज नेम्ड आफ्टर अ डीमनेस? हियर आर योर ऑप्शंस। ए होली, बी संक्रांति, सी उगाडी, डी अक्षय तृतीया। सर, ए होली। ए होली। ए होली। श्योर? यस। कर दे कंफर्म? कंफर्म। ऑल राइट, ए होली को कंफर्म करते हैं। होलिका के नाम पे। लेट्स सी इफ दैट इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर, 10 पॉइंट्स। एयरफोर्स स्कूल भुज, हम आपके पास वापस आते हैं विथ योर सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। चंद्रयान 2 की लैंडिंग का मूल स्थान इनमें से किसके नजदीक निर्धारित किया गया था? चंद्रयान 2's ओरिजिनल लैंडिंग लोकेशन वॉज नियर विच ऑफ दीज स्पॉट्स ऑन द मून? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए वेस्ट क्रेटर, बी नॉर्थ पोल, सी साउथ पोल, डी ईस्टर्न क्रेटर। सर, सी साउथ पोल को कंफर्म करिए। कंफर्म कर दें? यस सर, श्योर। एक ही आवाज में, साथ साथ में, मुझे ये भी नहीं पता चला कौन बोल रहा था। आप दोनों कह रहे थे, श्योर है इसके बारे में? वेरी श्योर। चलिए ठीक है, बी साउथ पोल को कंफर्म करते हैं। लेट्स सी इफ दैट्स द राइट आंसर। करेक्ट, 10 पॉइंट्स। किया था वो इसलिए भी था क्योंकि मून के साउथ पोल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। दिस वुड हैव बीन समथिंग न्यू। बहुत खूब, अब आपके पास आते हैं ब्रदर एंड सिस्टर डुओ सेंट पॉल चर्च कॉलेज आगरा से। ये रहा आपका दूसरा सवाल। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। सर, बी राजस्थान। बी राजस्थान। यस सर। यस सर। ये क्या हो रहा है, आप आपस में साथ साथ में खड़े हैं इसलिए आवाजें भी साथ साथ में आ रही हैं। हमेशा ऐसे ही आप साथ में बातें करते हैं या कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है आपस में? बहुत लड़ाई होती है। बहुत लड़ाई होती है। बहुत।
पता नहीं आगे जाकर क्या होगा, फिलहाल यहाँ पर आपने एक साथ जवाब दिया है बी राजस्थान। कंफर्म कर दें इसे? यस सर। चलिए बी राजस्थान को कंफर्म करते हैं। लेट्स सी इफ दैट इज द राइट आंसर। करेक्ट, 10 पॉइंट्स। अल यहां खत्म हुआ हमारा पहला राउंड, पहला वार। देखते हैं स्कोर्स है किस प्रकार, किसने की है अच्छी शुरुआत, किसे सुधारने हैं अपने हालात। जानते हैं क्या है किसका KYC यानी नो योर कंट्री फैक्टर। डीसी मॉडल फिरोजपुर 10 पॉइंट्स, एफओ स्कूल भुज 20 पॉइंट्स, सेंट पॉल्स आगरा ऑल्सो 20 पॉइंट्स। भुज और आगरा आपकी अच्छी शुरुआत हुई है, फिरोजपुर यू आर नॉट फार बिहाइंड। आप भी ज्यादा सोच फिकर मत कीजिए, ऐसे भी हालात नहीं है फिलहाल, 3 राउंड का खेल अभी बाकी है, बस जोर लगाइए, देखते देखते आप आगे निकल जाएंगे, ये हो सकता है बिल्कुल। शुरू करते हैं हमारा दूसरा राउंड जिसका नाम है अक्कड़ बक्कड़। अच्छा वैसे भाई बहन से मैंने पूछा था ये आपने कहा तो कि आप बहुत लड़ते हैं, है ना, अगर कभी आपका मन कर रहा है कि किसी को मूवी देखनी है, किसी को खेलने जाना है, लेकिन दोनों को साथ में रहना है, तो आप उस वक्त कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या किया जाए? मैं मम्मी के पास पहुंच जाऊंगी, ये पापा के पास पहुंच जाएगा, मम्मी पापा में लड़ाई होगी, कैसे ये करने दो से वो करने दो, एंड में जाके ऑडी होता है। यस सर। एंड में जाके ऑडी होता है, इट्स अ गेम। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट गेम, लेकिन उससे कुछ डिसीजन आता है? हाँ सर, जो जीतता है उसका मन का होता है। भाई ऐसा क्या होता है कि जब मैं और मेरा कोई दोस्त हो, जब हम तय नहीं कर पाते कि मूवी देखने जाएं कि खाना खाने जाएं, जब हम डिसाइड नहीं कर पाते थे और जब हमारी लड़ाइयां खत्म हो जाती थी फिर भी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते थे, तो हम एक चीज क्या करते थे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100-100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। कुछ और वर्क करे ना करे ये हमेशा वर्क करता था, भले ही दोनों माने ना माने, बट वी हैड टू गो विद दैट डिसीजन। आपने अपना अक्कड़ बक्कड़ तो सुना दिया, पंजाबियों का अक्कड़ बक्कड़ सुनेंगे? बिल्कुल सुनूंगा, आई लव पंजाबी। मेरे पास भी है। आपके पास भी है? गुजराती अक्कड़ बक्कड़। आपके पास भी कुछ है? हाँ, ओरिजिनल वाला। वाह, तो हो जा शुरू। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 कुलाटा तितर मोटा चल मदाड़ी पैसा खोटा पैसे खोटे दी खटाई आई रामचंद्र दी वारी आई। ओहो, भुज आपका क्या है गुजराती में? गुजराती अक्कड़ बक्कड़। हिमेश चलो बताओ। अड़को दड़को दही दड़ू को पीड़ू पाके सावन गाजे ऊल मूल दतुड़ा नु फूल साकर सेड़ी खजूर। नाइस। सेंट पॉल्स आप क्या कह रहे थे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा चोर की बीवी भागी थी चिल्ला करके भागी थी चाय गरम कॉफी गरम पीने वाला बेशरम। मैंने बहुत कुछ सोचा था इस राउंड के बारे में, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इस राउंड में 3 नए वर्जन सुनने को मिलेंगे अक्कड़ बक्कड़ के। थैंक यू सो मच ऑल 3 टीम्स। मैं आपको अब इस राउंड में सप्लाई करने वाला हूं ढेर सारे ऑप्शंस, और हो सकता है कि आप हो जाएं टोटली कंफ्यूज्ड कि क्या चुनें और क्या छोड़ें। अब मैं आपको बता देता हूं होगा क्या। अक्कड़ बक्कड़ में आपके सामने होगी एक ग्रिड जिसमें होंगे 6 टॉपिक्स, इनमें से आपको पिक करना है कोई एक जिस पर आपको दिखाया जाएगा एक सवाल। उस सवाल के होंगे 9 ऑप्शंस जिनमें से सिर्फ 3 होंगे सही। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स, यानी इस राउंड में दांव पर लगे हैं 60 पॉइंट्स। शुरू करते हैं अक्कड़ बक्कड़, देखते हैं डीसी मॉडल फिरोजपुर आपके 6 टॉपिक्स कौन से हैं। फ्लाइंग हाई सन टेंपल कॉलोनियल पावर्स टिंकल इंडिया एंड हॉलीवुड डियर फैमिली। कॉलोनियल पावर्स। कॉलोनियल पावर्स, चलिए उसे पिक करते हैं। लेट्स सी इस टॉपिक पर आपका सवाल क्या है। इन कॉलोनियल पावर्स में से किसने भारत में व्यापारिक पदों की स्थापना की। विच ऑफ दीज कॉलोनियल पावर्स एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग पोस्ट्स इन इंडिया। ये रहे आपके ऑप्शंस। नेदरलैंड्स बेल्जियम डेनमार्क इटली स्पेन जर्मनी रशिया हंगरी पोर्टुगल। फर्स्ट पुर्तगाल। फर्स्ट पोर्टुगल, चलिए उसे पिक करते हैं। इसके अलावा किसके बारे में आप कन्विंस्ड हैं? तो बोल दे। सर स्पेन। स्पेन, चलिए उसे पिक करते हैं। इटली। इटली या। चलिए उसे पिक किया जाए।
इन तीनों के बारे में आप श्योर हैं? सर यस। कुछ बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। इस राउंड में आप तीनों टीम्स को एक एक मौका तो जरूर मिलेगा। नहीं सर, नहीं। इन्हीं के साथ रहना चाहेंगे? सर यस। 60 पॉइंट्स के लिए क्वेश्चन है। ऑलरेडी आप तीनों टीम्स में सबसे नीचे हैं फिलहाल। श्योर अबाउट दिस? यस सर। ओके, चलिए इन तीन ऑप्शंस को कंफर्म करते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर्स क्रॉस्ड। यस। आपने इटली, स्पेन और पोर्टुगल चुना। यस सर। चलिए देखते हैं सबसे पहले इज पोर्टुगल द राइट आंसर। करेक्ट, 20 पॉइंट्स। फिर आपने कहा स्पेन। लेट्स सी इफ दैट इज द राइट आंसर। इट इज नॉट। तो देखते हैं कि जो तीसरा आपका जवाब था आपको 20 पॉइंट्स देता है या कुछ भी नहीं। लेट्स सी इफ इटली इज द राइट आंसर। इट्स नॉट द राइट आंसर। एनी गेसेस? डेनमार्क एंड जर्मनी। चलिए देखते हैं सही आंसर्स क्या हैं। डेनमार्क इज वन एंड द अदर वन इज नेदरलैंड्स। पोर्टुगीज एंड डच दे हैड एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिंग पोस्ट्स ऑन इंडियाज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट्स। डेनमार्क जो है उनके कुछ पोस्ट तमिलनाडु, बंगाल और निकोबार में भी थे। वाओ, दिस हैज बीन स्लाइटली ट्रिकी आपके लिए फिरोजपुर। सिर्फ एक सही जवाब। ऑलरेडी आप सबसे नीचे हैं। इन कोई बात नहीं, इसके बाद कभी एक राउंड है जो बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन उस राउंड में आपको अच्छा करना ही होगा, बिकॉज इफ दैट डजंट हैपन देन आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। एयरफोर्स स्कूल भुज, ये रहे आपके 6 टॉपिक्स। Flying High, Sun Temple, Tinkle, India and Hollywood, Dear Family, Gandhiji's Books. B, Sun Temple. Sun Temple को पिक करते हैं। Let's see Sun Temple पर आपका सवाल क्या है। इनमें से कौन से मंदिर सूर्य को समर्पित हैं? Which of these temples are dedicated to the sun? ये रहे आपके options. लक्ष्मी नारायण टेम्पल दिल्ली, कोणार्क टेम्पल ओडिशा, बृहदीश्वर टेम्पल थंजावुर, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, यमुनोत्री टेम्पल उत्तराखंड, मुढेरा टेम्पल गुजरात, श्री वेंकटेश्वर टेम्पल तिरुपति, मार्टन टेम्पल अनंतनाग, योगमाया टेम्पल दिल्ली। देश के काफी कोनों में फैला हुआ है ये। अगर मैप बना के देखें तो कई अलग अलग जगहों पर है। आप गए हैं इनमें से किन्हीं जगहों पर? सर नहीं। सर नहीं, में से कोई भी टेंपल आपने विजिट नहीं किया है, लेकिन शायद सुना होगा, पढ़ा होगा। सुना है, पढ़ा है। योगमाया शायद नहीं है। दो कर दें। ये तो दो है। सर सेकंड वन कोणार्क टेंपल ओडिशा। चलिए उसे पिक करते हैं। बृहदेश्वर टेंपल थंजावुर। चलिए उसे पिक करते हैं। मार्टन टेंपल अनंतनाग। मार्थन टेंपल अनंतनाग। Yes. चलिए उसे भी पिक किया जाए। अब आपके पास मौका है सोचने का। लग रहा है। अगर कुछ कंफ्यूजन है आप अपने पिक्स बदल सकते हैं। एक मौका मिलेगा आपको। यस सर। नहीं बदले। योगमाया। Which of these temples are dedicated to the sun god? इनमें से कौन से मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है? सर कंफर्म्ड। कंफर्म? कंफर्म्ड। यही तीन कंफर्म करें? यस सर। चलिए इन तीन ऑप्शंस को कंफर्म करते हैं। आपने कहा कोणार्क टेंपल ओडिशा। लेट्स सी इफ दैट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, 20 पॉइंट्स। फिर आपने कहा बृहदीश्वर टेंपल थंजावुर। लेट्स सी इफ दैट इज द राइट आंसर एज वेल। नॉट द राइट आंसर। ये शिव भगवान का मंदिर है जो आपने तीसरा पिक किया, मार्टंड टेंपल। लेट्स सी इफ दैट इज द राइट आंसर। करेक्ट, 20 पॉइंट्स। सांस में सांस आई। 8th century CE में बना था ये, लेकिन एक गलत जवाब। क्या बाकी दो टीम्स गेस करना चाहेंगी? आगरा सर, मुढेरा टेंपल गुजरात। मुढेरा टेंपल गुजरात। देखते हैं कि इन्होंने जो गेस किया है वो सही है या नहीं। लेट्स सी व्हाट द थर्ड करेक्ट आंसर इज। मुढेरा टेंपल गुजरात वुड हैव बीन द राइट आंसर। पुष्पावती रिवर के किनारे गुजरात में 11th century में यह बना था। 2 out of 3, 40 out of 60, नॉट बैड।
Could have been better, लेकिन well played nevertheless. Now we are coming to St. Paul's, Agra. अब आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं आपके 6 टॉपिक्स. Choose wisely. Flying high, tinkle, India and Hollywood, dear family, Gandhi ji's books, sparkling stones. Sir, Gandhi ji's books. All right, चलिए इस टॉपिक को पिक करते हैं एंड देखते हैं आपका सवाल क्या है. इनमें से कौन सी पुस्तकें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हैं? Which of these books are written by Mahatma Gandhi? ये रहे आपके ऑप्शंस. सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, आइडियाज ऑफ ए नेशन, पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वेटिंग फॉर अ वीजा. क्या लगता है खुशबू, वंश? सर, ए, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका. चलिए उसे पिक करते हैं. My experiments with truth. Let's pick that. Ideas of a nation. Ideas of a nation. चलिए उसे पिक करते हैं. कितने कॉन्फिडेंट हैं आप अपने choices के बारे में? काफी कॉन्फिडेंट हैं. थोड़ा सा डाउट है. थोड़ा सा डाउट है. कुछ बदलना चाहेंगे यहाँ पर? नो सर. कहाँ पे डाउट है, किसके बीच में? सर, आइडियाज ऑफ अ नेशन और सर हिंद स्वराज. इन दोनों के बीच में आपको डाउट है, कुछ और सोचना चाहेंगे या इसी के साथ जाएंगे? इन तीनों ऑप्शन को कंफर्म करते हैं. सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, लेट्स सी इफ दैट इज द राइट आंसर. करेक्ट आंसर 20 पॉइंट्स. फिर माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, लेट्स सी इफ दैट इज द राइट आंसर. ऑल्सो करेक्ट, 20 पॉइंट्स. अब आया है माय एक्सपेरिमेंट्स विद कंफ्यूजन, लेट्स सी कि क्या आइडियाज ऑफ अ नेशन सही जवाब है. नॉट द राइट आंसर, बिकॉज आइडियाज ऑफ अ नेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के आर्टिकल्स और स्पीचेस का कंपाइलेशन है. आपका दूसरा जो कंफ्यूजन था, जो आपको लग रहा था ये नहीं है, आपको लगा था कि हिंद स्वराज हो सकता है. एयर फोर्स, आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से भी हिंद स्वराज होना. आपके हिसाब से भी वही है. चलिए देखते हैं कि तीसरा सही जवाब क्या होता. हिंद स्वराज वुड हैव बीन द राइट आंसर. थोड़ा सा कंफ्यूजन और 20 पॉइंट्स आर गॉन. 40 आर 60, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल 1909 में लिखा गया था और इसमें गांधी जी के ख्याल थे ऑन द स्वराज मूवमेंट. इसी के साथ खत्म हुआ हमारा दूसरा राउंड अकड़ बकड़. एज आई सेड, देयर इज अ राउंड जहां पर नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे आ सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट राउंड. लेकिन उससे पहले फिलहाल देखते हैं स्कोर्स, क्योंकि सब अक्कड़ बक्कड़ कर रहे हैं कि कौन सी टीम किस पोजीशन पर है. जानते हैं तीनों टीम्स का KYC, यानी नो योर कंट्री फैक्टर. DC मॉडल फिरोजपुर 20 पॉइंट्स, एयर फोर्स भुज 40 पॉइंट्स, सेंट पॉल्स आगरा ऑल्सो 40 पॉइंट्स. और अब नजर डालते हैं हमारे लीडर बोर्ड पर, देखते हैं टीम रैंकिंग्स. DC मॉडल फिरोजपुर 30 पॉइंट्स, एयर फोर्स स्कूल भुज 60 पॉइंट्स, सेंट पॉल्स आगरा ऑल्सो 60 पॉइंट्स. हमारा ये शो एक मैराथन रेस की तरह है, जहां शुरू शुरू में सब ठीक ठाक लगता है, धीरे धीरे हौले हौले भाग रहे होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टाइम की पाबंदी नहीं है. पहले कुछ लैप्स आराम से, इत्मीनान से समय लेकर दौड़ते रहिए, यही लगता है कि सब ठीक है. फिर आखिरी लैप्स के आसपास अचानक रेस तेज हो जाती है और देखते ही देखते कुछ रनर्स आगे निकल जाते हैं और कुछ मेडल की रेस से बाहर हो जाते हैं. अब वो समय आ चुका है जहां पीछे रहना या पीछे मुड़कर देखना इसकी गुंजाइश ही नहीं है. हमारा तीसरा राउंड इस मैराथन का सेकंड लास्ट लैप है और अगर आपको चौथा राउंड खेलना है, चैंपियन बनना है, तो तेज कर लीजिए अपने कदम, लगा दीजिए जिसमें जितना भी है दम. और इसीलिए हमारा ये राउंड है आर या पार.
आर या पार है बजर राउंड। यहाँ तीनों टीम्स के सामने होगा एक बजर, जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसे मिलेगा जवाब देने का राइट। राइट जवाब के लिए मिलेंगे 20 पॉइंट्स, अगर जवाब गलत हुआ या बजर दबा कर जवाब नहीं दिया तो -10 पॉइंट्स। ध्यान रहे कि सवाल पूरा होने के बाद ही आप बजर दबाएंगे। इस राउंड में आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, यानी 200 पॉइंट्स स्टेक पर हैं। इस राउंड के अंत में सिर्फ दो टीम्स आगे जाएंगी। ऑलराइट, रेडी हैं फिर? यस सर। ऑलराइट, रेडी। ये रहा मेरा पहला सवाल। 2019 कुंभ मेला किस शहर में आयोजित किया गया? फिरोजपुर। उज्जैन। रॉन्ग आंसर, प्रयागराज, -10। अगला सवाल, जुलाई 2019 में किस भारतीय राज्य ने अपने अलग प्रकार के रसगुल्लों के लिए GI टैग प्राप्त किया था? आगरा। ओडिशा। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड कौन सा है? एफओस भोज। जनपीठ अवार्ड। करेक्ट, 20 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को लोकप्रिय रूप से भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? इसी मॉडल, बेंगलुरु। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। आपका अगला सवाल ये रहा, कौन सा अभिनेता बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के संस्थापक है? एफओस भुज। सलमान खान। 20 पॉइंट्स, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आयोजन किस वस्तु पर टैक्स लगने के विरोध में किया था? इसी मॉडल, सॉल्ट। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। अगला सवाल, कुरुक्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? डीसी मॉडल, हरियाणा। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब से पहले सिख गुरु बनने वाले 10वें और अंतिम व्यक्ति कौन थे? डीसी मॉडल, गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह, करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिनेत्री ने अपने 300वें फिल्म मॉम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? एफओस भुज। श्रीदेवी। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। लास्ट क्वेश्चन, किस खेल में भारत ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक जीते हैं? डीसी मॉडल, हॉकी। हॉकी, करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल अ मेजर अपसेट। वेल डन, वेल डन, वेल डन। फॉर्मूला वन की रेस में जैसे गाड़ियां एक दूसरे को साइड ना देने के लिए लेफ्ट राइट करती हैं, ऐसे ही आपके जो हाथ, स्पेशली आपके हाथ डीसी मॉडल, चल रहे थे बजर पर कि मेरा सवाल खत्म हो और उसके बाद पहला हाथ पड़ जाए बस किसी भी तरह से। आई होप कि इन बजर्स की हालत ठीक है। सर मसा तो आए हैं, पॉइंट्स पॉइंट्स तो आ गए, शुक्र है ना, ठीक है बजर्स। बेचारे बड़ा रिलीव फील कर रहे होंगे कि ये राउंड थैंक गॉड खत्म हुआ। आप भी रिलीव फील कर रहे होंगे, और यहाँ कौन सी दो टीम्स रिलीव फील करेंगी, फिलहाल ऑलमोस्ट हम समझ गए हैं किस टीम के हाथ से छूटेगा चैंपियन बनने का मौका। पता लगेगा स्कोर से, देखते हैं किस टीम का कितना रहा KYC, यानी नो योर कंट्री। सर दिल बहुत धड़क रहा है। दिल बहुत धड़क रहा है, तो चलिए दिल की धड़कनों को और तेज करने के लिए पहले इस राउंड के स्कोर सुन लेते हैं। डीसी मॉडल फिरोजपुर 90 पॉइंट्स, वेल डन। एफओ स्कूल भुज 60 पॉइंट्स, सेंट पॉल्स आगरा, यहां थोड़ी सी चूक हो गई, 20 पॉइंट्स। और अब लीडर बोर्ड, सबसे अहम सवाल, कौन जा रहा है फाइनल राउंड में, कौन जा रहा है घर? लेट्स हैव द लीडर बोर्ड प्लीज। डीसी मॉडल फिरोजपुर 120 पॉइंट्स, एफओ स्कूल भुज आल्सो 120 पॉइंट्स, सेंट पॉल्स चर्च कॉलेज आगरा 80 पॉइंट्स। मेघा, मैंने क्या कहा था, एनीथिंग कैन हैपन, एंड दिस इज प्रोबेबली हुआ, वही हुआ देव। डीसी मॉडल, आप ऑब्वियसली हम जानते हैं आपका मूड भी बहुत खराब हो गया था। इवन आई वाज सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ गया। आप 30 पॉइंट्स पर थे, वेरी वेल डन बोथ दीज टीम्स, सेंट पॉल्स चर्च कॉलेज आगरा। इट इज अ डिफिकल्ट मोमेंट फॉर मी, यहाँ पर किसी एक टीम को यहाँ से वापस जाना है और वो आज आप हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन एपिक IQ चैलेंज एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एपिक IQ चैलेंज का कारवां अब वहां पहुंचा है जहां चैंपियन के डंके की आवाज साफ सुनाई दे रही है, पर कुछ दूर से। कौन सही जवाबों के रॉकेट पर सवार होकर वहां पहले पहुंचेगा, डीसी मॉडल या एफओ स्कूल? देखते हैं एपिक IQ चैलेंज के चौथे और आखिरी राउंड में।
एवेका क्यू चैलेंज में तीन राउंड्स के खेल के बाद सेंट पॉल्स आगरा के चैलेंज का हुआ है अंत और फाइनल राउंड में पहुंची है टीसी मॉडल फिरोजपुर एंड एफओ स्कूल भुज। दो टीम्स, तीन सवाल और आपके जवाब तय करेंगे एपिक आईक्यू चैलेंज में कौन मारेगा बाजी। आ रहा है हमारा चौथा और फाइनल राउंड, आखिरी बार। यूजुअली आखिरी बार की टक्कर में क्या होता है, सब कुछ बराबरी से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। यहां पर हम जीरो पर तो जाएंगे ही, लेकिन इससे पहले भी आप लोग बराबरी पर ही थे, 120 पॉइंट्स ईच जो आपने कमाए हैं। यहां से आगे इस गेम में कोई मायने नहीं रखेंगे। यहां यह भी बता दूं कि आपके कमाए टोटल स्कोर जो है वो तय करेंगे आपकी रैंकिंग नेशनल लीडर बोर्ड पर, जहां होगा एपिक आईक्यू चैलेंज के नेशनल चैंपियन का फैसला। सो आपकी जो मेहनत है, खासतौर पर आपने जो पलटवार किया है और आप जो इतना अच्छा खेले हैं, बेकार तो बिल्कुल नहीं जाएगी, बस इस राउंड में आखिरी बार में आपके काम नहीं आएगी। फाइनल राउंड की टक्कर के रूल्स एक बार जरा ध्यान से सुन लीजिए। आखिरी बार में आपको पूछे जाएंगे टोटल तीन सवाल। पहले दो सवाल के सही जवाब पर मिलेंगे 50 पॉइंट्स, गलत जवाब पर आपका सवाल दूसरी टीम को पास होगा। पास्ट क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए उन्हें मिलेंगे 20 पॉइंट्स। तीसरे क्वेश्चन पर आपके पास ऑप्शन होगा डबल अप का, यानी डबल पॉइंट्स कमाने का। अगर आप डबल अप चूज करते हैं तो वो सवाल पास ऑन नहीं होगा और सही जवाब पर आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स, गलत जवाब देने पर मिलेंगे -20। एपिक आईक्यू चैलेंज के आखिरी राउंड की जंग अब शुरू होती है। एफओ स्कूल भुज आपसे पहले शुरू करेंगे, देखते हैं कि आपका सवाल क्या है। ये एक वीडियो क्वेश्चन है। इस फोर्ट को पहचाने जहां 1674 में शिवाजी महाराज ने खुद को छत्रपति का ताज पहनाया था। आइडेंटिफाई दिस फोर्ट वेयर शिवाजी महाराज क्राउन्ड हिमसेल्फ छत्रपति इन 1674। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज। देख लिया, हियर आर योर ऑप्शंस। ए विजय दुर्ग, बी सिंहगढ़, सी रायगढ़ या डी सिंधु दुर्ग। मेरे ख्याल से उदयपुर में है और 50 पॉइंट्स का आपका सवाल है। आराम से सोच लीजिए, क्या लगता है? 90% सी ऑप्शन लग रहा है, रायगढ़। सर विल कंफर्म इट, 90% पे ही कंफर्म कर देंगे? यस सर। चलिए सी रायगढ़ को कंफर्म करते हैं। लेट्स सी इफ दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, 50 पॉइंट्स। 50 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। 1674 में ही हुआ था जो एक क्राउनिंग हुई थी, और 1674 में ही उन्होंने इसे अपना कैपिटल बना दिया था। अब आप पर आते हैं डीसी मॉडल फिरोजपुर। 50 पॉइंट्स का आपका पहला सवाल इस राउंड में आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपका भी वीडियो सवाल है, इस संरचना को पहचाने जो बीजापुर के एक पूर्व शासक की कब्र है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर विच इज द टूम ऑफ अ फॉर्मर रूलर ऑफ बीजापुर। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज। चलिए आपको मैं आपके चार ऑप्शंस दे देता हूं। ए शोर गुंबज, बी गोल गुंबज, सी चार कमान, डी दरिया दौलत बाग। गोल गुंबज। गोल गुंबज? यस सर। 100%? यस सर। एपिक पे ही देखा है। एपिक पे ही देखा है, सही जवाब तो आप जानते हैं, अगर हुआ तो क्या होगा? जानते सर। गलत जवाब हुआ तो आई होप कि आपने भी ये वीडियो ठीक से देख लिया है, आप भी गेस कर सकते हैं। कंफर्म्ड है। कंफर्म्ड है? यस। देव ने कह दिया तो कह दिया। कह दिया। आपको याद नहीं है, लेकिन मैं दोनों टीम्स को और जो देख रहे हैं उन्हें ये बता दूं कि अगर आप और ज्यादा जानना चाहते हैं तो एपिक चैनल पर, इस शो का नाम है संरचना, वहां पर आप और जान सकते हैं इन ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स के बारे में। ऑप्शन बी को कंफर्म कर दें। सर पक्का? पक्का। पक्का। देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं। करेक्ट आंसर, 50 पॉइंट्स।
ये जो टूम है ये है किंग मोहम्मद आदिल शाह की, सुल्तान ऑफ बीजापुर, और इसे बनाने में 30 साल लगे थे। विजयपुरा कर्नाटका में स्थित है ये, और ऑब्वियसली इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है या ये पता चलता है कि गोल गुंबज क्यों कहते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर राउंड है। एग्जैक्टली, बराबरी का मुकाबला अभी भी बराबरी पर ही चल रहा है, बहुत मजा आएगा। जब मैं आपसे पूछूंगा एफओ स्कूल, आपका दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अब। इनमें से किस स्थान पर दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला स्थायी वैज्ञानिक आधार है? दक्षिण गंगोत्री इज इंडियाज फर्स्ट परमानेंट साइंटिफिक बेस एट विच ऑफ दीज प्लेसेस? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए अंटार्कटिका, बी आर्कटिक, सी हिमालयाज, डी इंडियन ओशन। सर ऑप्शन ए अंटार्कटिका। ऑप्शन ए अंटार्कटिका। यस सर। हिमेश इतने कन्विंस नहीं लग रहे हैं। नहीं, आई एम कन्विंस्ड। कन्विंस्ड? जो लॉजिक लगा है वो सही है। क्या लॉजिक है आपका? दक्षिण गंगोत्री नाम है तो अंटार्कटिका दक्षिण में है, इंडिया का जो साउथ पोल है। वैसे तो ये नाम मतलब इसका आंसर मालूम था, बट ये जो अंटार्कटिका और आर्कटिक दे दिया इसमें कंफ्यूजन हो गया। ओके, यानी आपके हिसाब से अंटार्कटिका इज द राइट। आपको जवाब भी मालूम था और आपने उसके पीछे क्वेश्चन को थोड़ा सा डिसाइफर करके उसे और पुष्टि भी दे दी है। कंफर्म किया जाए या कुछ और कहना चाहिए? नहीं, कंफर्म किया जाए। चलिए ए अंटार्कटिका को कंफर्म करते हैं, एंड लेट्स सी इफ दैट इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर, 50 पॉइंट्स। गुड लॉजिक आउट देयर। साउथ पोल से 2500 किलोमीटर दूर है दक्षिण गंगोत्री। इसका नाम लेकिन इसीलिए पड़ा है क्योंकि इट इज नेम्ड आफ्टर द दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर। यस, ठीक है। इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम का हिस्सा है ये, और फिलहाल इसे एक सप्लाई बेस और ट्रांजिट कैंप के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बट द करेक्ट आंसर, दो सही जवाब आपके हुए हैं। क्या आप भी टीसी मॉडल दो सही जवाब दे सकते हैं ऑन द ट्रॉट? सवाल पे डिपेंड करता है। सवाल पे डिपेंड करता है। हाँ जी सर। तो देखते हैं फिर आपका सवाल क्या है। नर्मदा घाटी में खोजे गए डायनासोर के जीनस का नाम क्या है? Which of these is the name of a genus of dinosaurs discovered in the Narmada Valley? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए सुल्तान सॉरस, बी गुज सॉरस, सी शाह सॉरस, डी राजा सॉरस। मनी दी गल। क्या लगता है दोनों को? सर डी, राजा सोरस। अशिता कन्विंस्ड? थोड़ा सा डाउट है कहीं पर, फिर भी कन्विंस्ड। थोड़ा सा है डाउट, लेकिन देव आप ज्यादा कन्विंस्ड हैं इसके बारे में। सर असल में बात ये होती है, मेरे साथ कई बार हुआ है, माइंड कहते सही है, दिल कहते नहीं, और फिर दिल की माननी पड़ती है, फिर हार जाते हैं। अब दिल की मान लेते हैं। आज दिमाग से खेल रहे हैं। आज दिमाग से खेल रहे हैं। जिंदगी में यूजली दिल से खेलते हैं। तभी तो कर दो। कर दूं? राजा सोरस। डी राजा सोरस को कंफर्म? यस सर। चलिए कर दिया जाए। लेट्स सी इफ दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Right answer, 50 points. राजासोरस की जो हड्डियां थी वो एक्सकवेट हुई थी लमेटा फॉर्मेशन से गुजरात में, एंड दिस इज पॉसिबली जो आज की तारीख में नर्मदा रिवर वैली का एरिया है, दैट इज वेयर इट हैपेंड। कार्निवोरस डायनासोर था ये। यस सर। दो दो सवालों के बाद दोनों टीम्स अभी भी कड़ी टक्कर दे रही हैं। नोबडी इज रेडी टू बैक डाउन। अब इस आखिरी सवाल पर टिका है सब कुछ। जैसा कि मैंने कहा था, अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन दैट विल कम इन हियर, और वो ऑप्शन है डबल अप।
अगर मेरे सवाल पूछने से पहले आप डबल अप का ऑप्शन लेते हैं, 50 पॉइंट्स का क्वेश्चन है, सीधा बन जाएगा 100 पॉइंट्स का। अगर एक्स्ट्रा 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। गड़बड़ ये है कि अगर आपने गलत जवाब दिया तो वो सवाल पास ऑन नहीं होगा, -20 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, श्योर नहीं है, सेफ खेलना चाहते हैं, तो आप नॉर्मल खेल सकते हैं। और जैसा कि अब तक हुआ, 50 पॉइंट्स के लिए खेलेंगे, गलत जवाब हुआ तो दूसरी टीम को 20 पॉइंट्स के लिए पास हो जाएगा। एफओ स्कूल भुज, क्या करेंगे आप, नॉर्मल खेलेंगे या रिस्क और फायदे को कहेंगे डबल अप? नॉर्मल खेलेंगे। यस सर। अगर आप नॉर्मल खेलते हैं तो मैक्सिमम आपको 50 पॉइंट्स मिल सकते हैं, यानी आप 100 से 150 पर जाएंगे। अगर गलत हुआ तो 100 पर ही रह जाएंगे, क्वेश्चन पास हो जाएगा 20 पॉइंट्स के लिए। अगर उन्होंने सही जवाब दिया 120 पर आ जाएंगे, नहीं भी दिया और उन्होंने चुना डबल अप और सही जवाब दिया तो आगे बढ़ जाएंगे। सर हम चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर डबल अप? यस सर। ऑलराइट, ये रहा डबल अप में आपका क्वेश्चन। भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सबसे दक्षिणी राजधानी कौन सी है? Which is the southernmost capital of an Indian state or union territory? ये रहे आपके चार ऑप्शंस। ए कवरत्ती, बी पोर्ट ब्लेयर, सी चेन्नई, डी तिरुवनंतपुरम। कवरत्ती है, थोड़ा ऊपर है वो, थोड़ा ऊपर है। ठीक है, नीचे आ जा। आई एम श्योर कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर डाउन इट। सही जवाब यानी 100 पॉइंट्स। गलत जवाब -20, आप आ जाएंगे 80 पर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान, सुन प्लीज प्लीज। क्या लगता है मानसी, हिमेश? कवरत्ती एंड पोर्ट ब्लेयर पे डाउट जा रहा है। कवरत्ती और पोर्ट ब्लेयर के बीच में डाउट है, ये 50-50 डाउट है या फिर एक की तरफ ज्यादा है? एक की तरफ ज्यादा है। कौन सा है वो ऑप्शन? कवरत्ती लग रहा है। कवरत्ती, सब वही हो रहा है, कवरत्ती। चारों ऑप्शंस ध्यान से देख लीजिए। सर ऑप्शन ए कवरत्ती। ऑप्शन ए कवरत्ती। कवरत्ती कंफर्म कर दिया जाए इसे? यस सर। चलिए ए कवरत्ती को कंफर्म करते हैं। लेट्स सी इफ दैट इज द राइट आंसर और रॉन्ग। -20 पॉइंट्स, आप अब 80 पर आ गए हैं। चलिए देखते हैं कि क्या सही जवाब है। इट इज तिरुवनंतपुरम। इट इज बाउंडेड बाय द लैकेटिव सी टू इट्स वेस्ट एंड द वेस्टर्न घाट्स टू इट्स ईस्ट। सदर्न मोस्ट कैपिटल ऑफ एन इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एफओ स्कूल भुज, आप आ गए हैं 80 पर, लेकिन अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है। डीसी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्या खेलेंगे? सर कैन वी हैव अ डिस्कशन? चलिए कर लीजिए। नॉर्मल जो देखते हैं, अगर उनका एक महीने 80 है ना, अगर उससे नहीं भी हुआ अपना कटेगा नहीं उनका, अगर उनका ठीक है ना, नॉर्मल देते हैं। डिसाइड कर लिया आपने? नॉर्मल। नॉर्मल हुआ, सही खेला यानी 150, यानी यू आर द विनर्स। गलत खेला तो क्वेश्चन होगा पास। अगर आपने सही जवाब दिया, वी आर बैक टू द सेम स्कोर अगेन। और उसमें भी एक चांस है, वो अगर गलत बोल दें फिर भी जीत सकते हैं। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है एफओ स्कूल? वो लोग, उनका सवाल है, इट्स ओके, वो कुछ भी करते हैं। अगर आप पर आ गया ये सवाल और आपने सही जवाब दिया, बैक इन द गेम। सर चाहते तो वही है। डीसी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नॉर्मल खेलेंगे 50 पॉइंट्स के लिए। नॉर्मल पर आपका सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी संरचना ब्रिटिश द्वारा निर्मित नहीं है? विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स वर नॉट बिल्ट बाय द ब्रिटिश? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, बी राष्ट्रपति भवन, सी पार्लियामेंट बिल्डिंग, डी Basilica of Bom Jesus। जितना आप सोचेंगे आपके लिए बेटर होगा। ये साइड देख राउंड हो गया तो ये बहुत
कभी कभी जो आप देखते हैं वो होता नहीं है, जो नहीं कंसिडर कर रहे होते हैं वो होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में गलत जवाब नहीं देना चाहिए। ऑप्शन डी या बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। आप उम्मीद कर रहे हैं ये सही जवाब हो, आप उम्मीद कर रहे हैं यह गलत हो, ताकि पास हो जाए आपको। कंफर्म करना चाहेंगे? यस सर, कंफर्म करना चाहेंगे। श्योर लेट्स कंफर्म डी बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। चलिए देखते हैं कि क्या बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस करेक्ट आंसर है या नहीं। इट इज। यस, करेक्ट आंसर। 50 पॉइंट्स, कांग्रेचुलेशंस। वेल डन, कांग्रेचुलेशंस एंड वेल प्लेड यू गाइस एज वेल। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेले आप यहाँ तक। एयर फोर्स स्कूल भुज 80 पॉइंट्स और हमारे आज के विनर डीसी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर को मिले हैं 150 पॉइंट्स। हार जीत से बड़ा है एक्सपीरियंस, और वो हम सबको आज हुआ है आईक्यू की इस कमाल के टक्कर में, है ना? है ना, मजा भी आया, नई बातें भी सीखी और मिले इस महान देश के कुछ खूबसूरत पहलुओं से। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें और किस्से लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे एपिक आईक्यू चैलेंज में, जहां होंगे कुछ मजेदार सवाल, उनके जवाब, तीन नई टीम्स और मैं मयंक चैंग। फिर मिलेंगे। Subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Gubbare.